लखनऊ से खबर आपको बताएंगे। दरअसल महिला विधायकों को सीएम योगी ने लिखा है लेटर। मिशन शक्ति के प्रयासों और परिणामों की दी है जानकारी। मिशन शक्ति से बदली है प्रदेश की छवि। सीएम ने कहा 22 सितंबर विधानसभा और विधान परिषद के लिए ऐतिहासिक, महिलाओं के लिए इसके नाम पर होगा पूरा दिन। तो सीएम ने लेटर लिख के साफ तौर पर महिला के शक्ति के प्रयासों को लेकर ये कहा है कि पूरा दिन जो है सदन के अंदर महिलाओं के लिए ही होगा। 22 सितंबर को सिर्फ महिला विधायक रखेंगी अपनी बातें। यूपी विधानसभा में 22 सितंबर का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस दिन जो है सदन में केवल महिलाओं को ही बोलने का मौका मिलेगा। इसे लेकर महिला विधायकों में उत्साह भी नजर आया। बहुत ही सकारात्मक पहल है और ये 18वीं विधानसभा के जो सत्र चल रहे हैं इसमें हमारे माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से नई नई चीज़ों को लाने का काम कर रहे हैं। बस मेरा इतना रिक्वेस्ट रहेगा माननीय अध्यक्ष जी से कि जितनी बुलंदी से हमारे लिए एक दिन सुरक्षित किया गया है, उतनी ज़्यादा सकारात्मक सोच के साथ जो मुद्दे महिलाएं वहां उठाएं उनको सरकार क्रियान्वयन करे। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश की जहाँ तक मेरी जानकारी है आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और जब से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बने, नित नए आयाम उन्होंने महिला विकास के, महिला सशक्तिकरण के लिए खड़े किए हैं। तो ये दिन मैं समझती हूँ पूरे भारत में एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत में ऐसा किसी भी विधानसभा में ये पहल हुई है। तो इसके लिए हम सभी बहुत ही उत्साहित हैं और बस 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। चूँकि हमारे यहाँ पर हमारी राष्ट्रपति भी महिला हैं, हमारी राज्यपाल जी भी महिला हैं और हमारी दल की नेता भी हमारी अनुप्रिया जी महिला हैं, और मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं पूरी पूरी शक्ति से उस दिन सब चीज़ें अपनी अपनी विधानसभा के बारे में जो उनको लगता है वो बोलें, और पूरा उनको विश्वास रहना चाहिए कि आगे भी वो टाइम हम लोग को सब मिलेगा।